नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त चला है बागेश्वर बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। बागेश्वर में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान में थाना अध्यक्ष निधि शर्मा ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा, महिलाओं के कानूनी अधिकारों और नशे के दुष्परिणामों आदि के बारे में भी लोगों को जानकारी दी और फेसबुक और इंस्टाग्राम में अनजान व्यक्तियों से दोस्ती ना करने और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों पर भी ध्यान देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस की तरफ से संचालित गौरी शक्ति ऐप, पब्लिक आई ऐप, देवभूमि ऐप और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1-55-260, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और हेल्पलाइन नंबर 112 आदि के बारे में भी बताया। कपकोट में क्षेत्र अधिकारी शिवराज सिंह राणा ने रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण कर कार्यालय का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने बैरक स्टोर, कार्यालय के सामान और भोजनालय की साफ सफाई और व्यवस्था के लिए जरूरी निर्देश भी दिए और लाइन में मौजूद कर्मचारियों का सम्मिलन कर उनकी परेशानियों को सुनकर समाधान करने की बात भी कही। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके इलेक्शन कैंपेन कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत कुमार ने प्रदेश में आप की सरकार बनने पर शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर सुधार करने, किसानों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने और सड़कों के डामरीकरण करने की बात भी कही। वहीं इस दौरान उन्होंने बंतौली और दाड़ीखेत में आयोजित रामलीला में प्रतिभाग किया और आयोजकों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बागेश्वर बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।